हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रकाश, हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्च्यून इन्फो सॉल्यूशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ आए हैं और अपडेट है नीट यूजी से रिलेटेड। आप जैसा जानते होंगे, जैसा कि आपको पता होगा कि 13 सितंबर को नीट अंडर ग्रेजुएट की कोर्सेज की एग्जामिनेशन होने वाली है। MBBS, डेंटल, BDS, BAMS, BHMS, ये सारे कोर्सेज की एग्जामिनेशन होने वाली है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। 13 सितंबर ऑल ओवर इंडिया एग्जामिनेशंस कंडक्ट की जाएंगी। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये वीडियो है और एक नोटिस आई है, एडवाइजरी नोटिस, क्या कैसे प्रोसीड की जाएगी, कैसे कंडक्ट की जाएगी ये एग्जामिनेशन। तो आज का हमारा वीडियो उसी से रिलेटेड रहेगा। आई होप कि हाँ, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उन्हें ये वीडियो अच्छा लगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या अपडेट्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है NTA की, नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई है। तो हर तरीके से वो चाहते हैं कि बिना परेशानी के सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एग्जामिनेशन वो कंडक्ट कराएँ। NTA की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, यही यही मतलब उनकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितने भी कदम हैं, स्टेप्स हैं, इसी पे रहेगी। तो जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, कोविड-19 का पैंडमिक है, चारों तरफ फैली हुई है। तो उन्होंने ये नोटिस ऑफिशियल नोटिस बोर्ड, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। एडवाइजरी की ऑब्जेक्टिव है कि सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट में सब हर किसी के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, गाइडलाइंस फॉलो की जाए, इंटीग्रेट की जाए सारी मेजर्स को, प्रोसेस को, प्रोसीजर्स को कंट्रोल की जाए और हर कोई सेम पेज पर रहे, ये लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है, बी ऑन द सेम पेज विथ रिस्पेक्ट टू द एक्शंस to be taken by all stakeholders and functionaries towards safe conduct of exam। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हर कोई सेम पेज पर है, हर कोई एक समान है और सबके लिए सेफली और नियम और कानून का उल्लंघन ना करते हुए, उन्हें फॉलो करते हुए, गाइडलाइंस फॉलो करते हुए कंडक्ट की जाए ये एग्जामिनेशन। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, लिखे इस एडवाइजरी में लिखा हुआ है, सेफली कंडक्ट करवाया जाए। ये देखिए साफ लिखा हुआ है, NTA टू सेफली कंडक्ट एंड ऑर्गेनाइज नीट UG 2020 एग्जामिनेशन सेंटर्स राइट फ्रॉम द एंट्री ऑफ कैंडिडेट्स अप टू द एग्जिट। मतलब एंट्री से लेके, स्टार्टिंग से लेके एंड तक एग्जामिनेशन की सेफली कंडक्ट करवाया जाए, यही इनकी स्कोप है, इनकी ऑब्जेक्टिव है। प्रोसीजर जो है वो तीन तरीके में बांटा गया है, प्री एग्जामिनेशन कंट्रोल्स, एग्जाम कंडक्ट कंट्रोल्स या मेजर्स, पोस्ट एग्जामिनेशन कंट्रोल्स या मेजर्स। प्री एग्जामिनेशन कंट्रोल्स, घुसने से पहले एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स को स्पेस देना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, स्पेस मेंटेन करना है, सीटिंग प्लान जो है, जो सीट की जो प्लान है उन्हें वो सेफ डिस्टेंस, वो उन्हें कैंडिडेट्स को एक डिस्टेंस मेंटेन करने में अलाउ करेगा। जो सीटिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंगली अगर कैंडिडेट्स बैठेंगे तो एक कैंडिडेट और दूसरे कैंडिडेट के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होगा, जिससे कोविड-19 ना फैले, कोई स्टूडेंट या कोई कैंडिडेट ना इन्फेक्टेड हो। एडमिट कार्ड में क्या चेंजेस रहेंगी इस बार, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी हुई रहेगी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कोविड-19 की। टाइम स्लॉट्स दिए रहेंगे कि किसको किस टाइम स्लॉट क्या अलॉट हुई है और उसके वो उस पर प्रिंटेड रहेगी क्या क्या आइटम ले जाने हैं, ये उसमें लिखी हुई रहेगी। PWD स्टूडेंट अगर कोई है तो उसके साथ एक स्क्राइब रहेगा, एक हेल्पर रहेगा, और स्क्राइब और हेल्पर को और साथ में कैंडिडेट को, दोनों को मास्क पहनना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, वो पहनना ही पहनना है। स्टाफ जो है उनकी
वो ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग के थ्रू, ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू ऑलरेडी ट्रेन हुई हुई ट्रेन करवा दी गई होंगी, उनमें उन्हें सिखाया होगा कि उन्हें उनमें ट्रेनिंग ये दी हुई होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स फॉलो करें, गाइडलाइंस फॉलो करें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करें, और एग्जामिनर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो इस ओरिएंटेशन, इस प्रोग्राम के थ्रू ट्रेन किए गए हैं, और उनके लिए एक लिंक भी दी हुई है ऑनलाइन ओरिएंटेशन के लिए। ग्लव्स और मास्क जो हैं वो मैंडेटरी हैं एग्जामिनेशन ड्यूटी के लिए। बिना ग्लव्स और मास्क के उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। हैंड सैनिटाइजर भी ज़रूरी है, स्प्रे बॉटल, स्पॉन्ज क्लोथ ज़रूरी है, डिसइंफेक्टेंट ज़रूरी है, और डिसइंफेक्टेंट लिक्विड में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड भी ज़रूरी है। डिसइंफेक्टेंट बैकपैक स्प्रे मशीन से फ्लोर्स और वॉल्स को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। थर्मल गन यूज़ की जाएगी। एडिशनल नोटिस बोर्ड्स अवेलेबल रहेंगे उन पे, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी, और रस्सी रहेगी, रस्सी से लाइंस बनाई हुई रहेंगी, और मटेरियल रहेंगी फ्लोर को मार्क करने के लिए। जो क्यूज़ है, जो लंबी कतारें हैं उनमें डिस्टेंस रहने के लिए सर्कल बनाई हुई रहेंगी। पूरे सेंटर को सैनिटाइज किया जाएगा और उन्हें इक्विप किया जाएगा एग्जामिनेशन स्टाफ से, फंक्शनरी से, जो वहाँ पे काम करेंगे उस दिन। जैसे ही दिन की शुरुआत होगी तो क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं ये लिखी हुई हैं। स्प्रे किए जाएंगे पूरे एग्जामिनेशन सेंटर को, दीवार, डोर, गेट, सब जगह स्प्रे मशीन से स्प्रे किए जाएंगे। फ्रेश मास्क और ग्लव्स पहनना मैंडेटरी है जितने भी वहाँ पे स्टाफ रहेंगे, उन्हें जितने भी सैनिटाइजर बॉटल्स हैं वो सब जगह नहीं रखी जाएंगी, पुरानी हटा दी जाएंगी। लिक्विड हैंड वॉश बॉटल्स भी नहीं रखी जाएंगी, पुरानी हटा दी जाएंगी। कैंडिडेट्स जहाँ पे बैठेंगे, स्टूडेंट्स जहाँ पे बैठेंगे वो थॉरली सैनिटाइज की हुई रहेगी वो डेस्क, वो जगह। वॉशरूम पूरी तरीके से साफ़ की जाएगी, डोर हैंडल्स साफ़ किए जाएंगे, व्हीलचेयर्स उन्हें भी साफ़ किए जाएंगे और डिसइंफेक्ट किए जाएंगे, और जितने भी ट्रैश बिन हैं, कूड़े की कूड़ेदान हैं, उन्हें भी साफ़ की जाएगी। एंड ऑफ द डे जितने भी यूज्ड मास्क और ग्लव्स हैं उन्हें डिस्पोज ऑफ किया जाए सेफली, और इस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए कि मतलब अगर उसमें किसी को इन्फेक्शन भी है तो वो फैले नहीं उन यूज मास्क और ग्लव्स से। तो ये दोस्तों, ये एक तरीके का इन्होंने एक तरीके का पॉइंट्स बना के दे दिए है यहाँ पे कि कैसे कैसे ये जैसे जैसे डे प्रोसीड करते जाएगा तो ये कैसे कैसे इनकी एक्टिविटीज़ प्रोसीड करेंगी। एग्ज़ाम के जो स्टाफ हैं, फंक्शनरी हैं, जो स्टाफ हैं वहाँ के, वो उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन एक सबमिट करनी है एडमिन डैशबोर्ड पे, थर्मल गन टेम्परेचर से उनकी सारी सब की थर्मल चेकिंग होगी कि किस तरीके की टेम्परेचर तो नहीं है, किसी तरीके की कोविड होने के कहीं चांसेस तो नहीं हैं। अगर थर्मल गन से वो फेल करते हैं या उन्हें पता चलता है कि उन्हें कोविड है या कोविड की किसी तरीके की सिम्टम्स है तो उन्हें इमिडिएटली बोला जाएगा कि छोड़ के आप चले जाइए, और उन्हें भी मास्क और ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। एडवाइसरी नोटिस बोर्ड्स पे ये एडवाइस दिया हुआ रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाए। जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, क्यू मैनेजर्स, मैनेजर रूप्स रहेंगे लाइन कतार में लगे लोगों के लिए कि ताकि वो
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और एक लाइन में 20 से ज़्यादा लड़के और लड़कियां नहीं रहेंगे। लाउडस्पीकर से टाइम स्लॉट्स बोली जाएंगी स्टूडेंट्स की। कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग 11 बजे से होगी, उसके अकॉर्डिंगली बैचेस के अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग होगी। रजिस्ट्रेशन रूम में बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा थर्मल गन से। 37.4 डिग्री सेल्सियस या 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रहेगी तो फ्रिस्किंग पर्सनल के पास भेजा जाएगा, और अगर 37.4 या 99.4 से ज़्यादा रहेंगी तो एक आइसोलेशन रूम में भेजा जाएगा। फ्रिस्किंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 15 से 20 मिनट की टाइम ड्यूरेशन है। उसके बाद अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो आगे भेज दिया जाएगा, अगर नहीं नॉर्मल होता है तो उन्हें एग्जामिनेशन अकेले ही देना पड़ेगा। देखिए ये दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल वगैरह नहीं होता है तो आपको अकेले एग्जामिनेशन देना होगा। कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और ये सब वगैरह वगैरह दिखानी पड़ेंगी। इनविजिलेटर को सारे सीट और लोकेशन चार्ट सब कुछ चेक करने होंगे। ऑन ड्यूटी इन्विजिलेटर जो आउटसाइड रजिस्ट्रेशन रूम के खड़े रहेंगे वो धीरे धीरे करके रजिस्ट्रेशन रूम में एक एक करके सारे स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे। एक तरीके का इन्होंने देखिए दोस्तों एल्गोरिदम फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली कैसे क्या प्रोसीड करना है वो ये इसमें लिखी भी है। किसी भी तरीके की क्राउड को अलाउ नहीं की, अवॉइड करने की सलाह दी हुई है कि क्राउडिंग ना करें। टाइम स्लॉट ऑलरेडी दी हुई है, प्रायर कम्युनिकेशन भी की जाएगी कि किस किस स्लॉट में किस किस बैच के स्टूडेंट्स को जाना है वो शेयर की जाएगी एसएमएस के थ्रू। और सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे मास्क और ग्लव्स पहने हुए। कैंडिडेट को 15 बैचेस में डाला जाएगा जो कि 15 लड़के और 15 लड़कियों के होंगे। दो डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन रूम्स में जहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, चेकिंग की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। जितनी भी प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन रूम में होगी। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, किसी भी तरह की आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट्स इफ एनी, किसी भी तरीके की एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स उसको डिस्प्ले करनी होगी वेरिफिकेशन के लिए इन्विजिलेटर के सामने। वेरिफिकेशन के बाद इन्विजिलेटर कैंडिडेट की सीट लोकेशन लिस्ट में देख चेक करेंगे और बताएंगे कि कहाँ सीट है। डॉक्यूमेंट वो टच नहीं करेंगे किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में ना वो चेक टच करेंगे ना आप टच करने देना, ये इसमें साफ लिखी हुई है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एग्जाम फंक्शनरी वुड नॉट टच एनी डॉक्यूमेंट ऑफ द कैंडिडेट।
लोकल हेल्पलाइन नंबर है कोविड 19 की वो डिस्प्ले होती है। रेगुलर अनाउंसमेंट होते रहेंगी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। वॉलंटियर्स इन विजिलेटर्स भी गाइड करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोलेंगे, मास्क ऑन फेस मास्क अलाउड है, ग्लव अलाउड है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है, पर्सनल स्मॉल हैंड सैनिटाइजर अलाउड है, एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे एडमिट कार्ड आईडी कार्ड ये सब अलाउड है। बॉडी पार्ट टच नहीं किया जाएगा, मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाएगा कैंडिडेट्स को। जो चेकिंग करेंगे जो लोग वो लोग फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ब्लूटूथ और वाईफाई सिग्नल की प्रेजेंस चेक की जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर्स में। सीसीटीवी कैमरा और जैमर्स लगे हुए होंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स में, तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि सीसीटीवी कैमरास और जैमर्स है तो किसी भी तरीके की नियम कानून को आप तोड़िएगा नहीं। अगर आप वहाँ पे तोड़ते हैं या चीटिंग की प्रक्रिया में या किसी भी तरीके की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप पकड़े जाते हैं जो नियम और कानूनों का उल्लंघन करते हैं, गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ज़रूरी है। कैंडिडेट्स जो अपने डॉक्यूमेंट्स बिना छुए हुए टच किए किसी को, मतलब किसी को टच ना करने दे, ऐसे ही दूर से ही वो दिखाएं, वो दूर से ही देख के वो जा सकते हैं। जब एग्जामिनेशन हो रहा होगा कैंडिडेट की ऑथेंटिकेशन होगी, वीडियोग्राफी हो रही होगी, वो सीसीटीवी फुटेज लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होगी, मैनुअल अटेंडेंस और हैंड रिटन सैम्पल्स कैंडिडेट्स के ज़रूरी है, मैनुअल अटेंडेंस ज़रूरी है। 50% जो इनविज लेटर्स हैं वो रूम के अंदर ही रहेंगे और 50% बाहर से ध्यान रखेंगे देखेंगे। मूवमेंट जो है इनविज लेटर्स की वो कम से कम रहेगी, मास्क ग्लव्स मैंडेटरी हैं। अगर किसी तरह की इशू आ जाती है जिसमें इन्विजिलेटर को कैंडिडेट को टच करना पड़ता है तो वो पहले सैनिटाइज़र या सोप से हाथ धो लेंगे, सैनिटाइज करेंगे और बिना ग्लव्स के नहीं टच करेंगे, ग्लव्स पहन के ही टच करेंगे। वॉशरूम भी साफ़ होना चाहिए, कैंडिडेट को परमिशन लेना चाहिए वॉशरूम जाने से पहले, पानी पीने की प्रावधान है, जो हाउसकीपिंग स्टाफ है वो वॉशरूम में जैसे भी कोई जाए तो हाथ धोना ज़रूरी है, पर्सनल वाटर बॉटल परमिटेड है लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर मैनर में ही चलना चाहिए, ग्लव्स एंड मास्क डिस्पोज कर देने चाहिए, बिन में डाल देना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर में। डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्राउडिंग ना करना चाहिए।
एग्ज़ाम फंक्शनरीज जो हैं, जो स्टाफ वहाँ के, उन्हें फूड अपनी लेके आनी है, रिफ्रेशमेंट अलाउड है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, कोई भी अनडिस्पोजेबल कटलरीज नहीं लानी है, जो डिस्पोजेबल है वही लानी है। स्टाफ को अपनी सारी सामान खुद लानी है, जितने भी स्टाफ हैं उनकी सारी डिटेल्स रिकॉर्ड्स मेंटेन होगी सिस्टम में, इन्विजिलेटर की रिकॉर्ड्स मेंटेन रहेगी सिस्टम में थ्रू वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो ये हो गई दोस्तों पूरी गाइडलाइंस एडवाइजरी कैसे कंडक्ट होगी नीट यूजी की, जो एनटीए के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हुई है। इसके अकॉर्डिंगली आप ये पढ़ सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके अकॉर्डिंगली ही आपको प्रोसीड करना है। स्टूडेंट्स को भी इसके अकॉर्डिंगली ही प्रोसीड करना है। और ये एक एडवाइजरी है जिससे जिसको आप पढ़ के ये समझ जाएगा कैसे कैसे आपको आगे जाना है। तो आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, स्पेशली जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन, अपडेट, हेल्प या काउंसलिंग गाइडेंस की ज़रूरत हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर ज़रूर कॉल करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल, ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को जितना से जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि आपको सारी अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। थैंक यू।